दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस टाइप की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी येलो टोन है और गोल्ड टोन भी है, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये फोटो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और ये फोटो मोबाइल में ही मैंने एडिट किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे चैनल की सबसे पहली फोटो एडिटिंग वीडियो है, तो आप इससे जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वीडियो सिर्फ के लिए बनाते हैं। दोस्तों इस फोटो को एडिट करने के लिए मैं केवल एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं अपने Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन में और चलते हैं ऑल फोटोज के अंदर और यहां पर अपनी पिक को खोज लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो फोटो है ये कितनी डल है और इसमें कलर्स जो है वो कितने डल हैं और पीछे का बैकग्राउंड भी कितना भद्दा सा लग रहा है और फेस भी स्मूथ नहीं है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फेस स्मूथ करना मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल कलर रिटचिंग बताऊंगा और फेस स्मूथिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लाइट्स में और लाइट्स में जाने के बाद आपको एक्सपोजर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करना है और शेडोज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है और वाइट्स इसमें काफ़ी कम है तो वाइट्स हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देना है। मतलब दोस्तों आप एग्जैक्ट यही सेटिंग मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपने से भी ऊपर नीचे कर ज़रूर देख लीजिएगा। और चलते हैं आप कलर ग्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम 4 पर ले जाएंगे। ठीक, टेम्परेचर को 4 पर ले जाने के बाद टिंट को आपको थोड़ा सा बढ़ा के 12 तक ले जाना है, 12 तक नहीं थोड़ा सा कम कर लेते हैं 8 पर। और वाइब्रेंस को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है जिससे कि आपके फ़ोटो में कलर काफ़ी अच्छी आ जाए, और सेचुरेशन को आपको काफ़ी कम कर लेना है, जैसे कि अगर वाइब्रेंस ज़्यादा हो जाए तो आप सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर लीजिए। और चलते हैं मिक्स टूल में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लाइटरूम का सबसे प्रो वर्जन नहीं है, ये 6.0 वर्जन है। और यहाँ पर आपको रेड कलर पे क्लिक करके इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एकदम हल्का सा, जैसे मैंने इसे 11 पर किया है। अब चलते हैं अपने ऑरेंज कलर में। दोस्तों ऑरेंज कलर हमारे फेस का कलर होता है, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सेचुरेशन भी बढ़ा लेंगे। और अब चलते हैं येल्लो कलर में। येल्लो कलर में जाने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को पूरा कम कर देना है, इसके हुई को भी पूरा कम कर देना है और लुमिनेंस को बढ़ा लेना है, सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा प्लस पॉइंट पे और हुई को पूरा कम कर देंगे। अब ग्रीन पर आने के बाद इसके भी हुई को कम कर देंगे और थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। ठीक, अब देख सकते हैं दोस्तों फोटो काफ़ी हमारी इफ़ेक्टिव हो रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और ये जो क्या कहते हैं कि लाइट कलर है, इसके भी हुई को हम कम कर लेंगे। पहले देख लिया जाता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसके दोनों चीज़ों को कम कर देंगे। ब्लू ब्लू हमारे जीन्स का कलर है, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर। अब इसके सेचुरेशन को घटाएंगे जिससे जीन्स हमारी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और लुमिनस को जैसे कम करेंगे हमारे जीन्स और भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है दोस्तों, और क्या कहें। और ये दो कलर जब है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब हमारा कलर ग्रेडिंग हो गया, मिक्स टूल भी हो गया, और अब हम चलते हैं यहाँ पर इफ़ेक्ट के ऊपर। तो टेक्सचर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर एक सेकेंड में चेक कर लूँ, डीएस को थोड़ा सा माइनस पॉइंट की ओर रखेंगे। ठीक, इससे क्या होता है कि जो डार्क चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लाइट हो जाती हैं। विग्नेट को हम ले जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अंदर, और मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा लेके आएंगे अंदर, थोड़ा थोड़ा सा अंदर लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ ग्रेन और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। और अब शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि फ़ोटो की शार्पनेस आ जाएगी। नॉइस रिडक्शन को बढ़ा दीजिए जिससे कि फ़ोटो स्मूथ हो जाएगी। और फिर से आते हैं इफेक्ट में और स्प्लिट टोन पर जाते हैं। यहाँ पर हमें अपने जो वाइट्स चीज़ है वहाँ पर हमें येल्लो टोन देना है, क्योंकि फ़ोटो हमारा येल्लो टोन में एडिट हो रहा है। ठीक, और शेडोज को हम रेड में रखेंगे हल्का सा, और थोड़ा सा आप देख लेते हैं। हाँ, अब ये ठीक है और इसे करते हैं डन। और थोड़ा सा भी और जो चीज़ें हैं उसे हम देख लेते हैं, और बाकी सब चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पर भी अब सब सेटिंग को थोड़ा और ऊपर नीचे कर करके आपको देख लेना है कि सब सही है कि नहीं। और फेस स्मूथिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एडिटिंग है वो काफ़ी हद तक अब हो चुका है, मतलब ये देखिए पहले ये ऐसी थी और अब ये ऐसी हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी ऐसी ब्लू
जैसे ब्लू पैंट है तो देखिए मैंने इसका कलर भी कितना अच्छा से एडिट कर दिया है, और आप अपनी किसी भी फ़ोटो को येलो टोन में एडिट कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट हमने हल्के से ही काम में इसमें गजब की इफ़ेक्ट डाल दिया। देख सकते हैं बस फेस, बस कमी है कि फेस स्मूथ नहीं करना है। और आप हमारी पुरानी फ़ोटो देखेंगे जो ऑलरेडी मैंने पूरी बनाई है, तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो फेस है वो पूरी स्मूथ है। ठीक, इसमें फेस स्मूथ है, लेकिन फेस स्मूथिंग की वीडियो मैं आपको आगे दे दूंगा। तो आप इसे अब गैलरी में सेव कर लेंगे, अब गैलरी में यहाँ से आप इसे गैलरी में सेव कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप भी ऐसी फ़ोटो को आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और हेयर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लग नहीं रहा एडिट है। लेकिन देखिए फेस भी है, इसका हेयर भी एडिट है, और यहाँ पर PNG मैंने अपना लोगो भी लगाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा फोटो अट्रैक्टिव दिख रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छी येलो टोन में एडिट कर पाए। और मैं आगे भी आपको कुछ एडिटिंग की फ़ोटोज़ दूंगा, और अभी तो मेरा चैनल जैसे आपको पता है टेक का है, तो ये पहला एडिटिंग वीडियो है मेरे चैनल का, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ आपको नहीं आ रही है, और फेस स्मूथिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय, बी स्मार्ट, बी सेफ।